पत्रकार संघ की ओर से पूरे पत्रकार हमारे आए हैं। घाटी में जो एक समस्या है उसके बारे में एक लेटर दिया है, इसके बारे में हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है और क्या निवेदन दिया है। आज हमने युवा शक्ति पत्रकार संघ की ओर से घाटी दवाखाने के प्रशासकीय अधिकारी अनुराधा कुलकर्णी को निवेदन दिया है। कई पत्रकारों की यहाँ समस्या है, जैसा कि सोनोग्राफी करने आता है तो उसके भी चार्जेस लगाए जाते हैं, जबकि पत्रकारों को फ्री है। एक्सरे का भी चार्जेस लगता है, जैसा कि खून टेस्ट है उसके भी पैसे यहाँ लगाए जाते हैं। आज दोपहर में मैं खुद आया था, मेरा अनुभव है, मुझसे कहा गया कि आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, आप पत्रकार हो या कोई भी हो। हाँ, हम भी शासकीय कर्मचारी, हमको भी सोनोग्राफी के पैसे लगते हैं, फिर भी हमने उनको बोला कि भाई हम पत्रकार हैं, हमारे लिए सहूलत दो। तो अब नए नए ये जो RMO बैठे हुए हैं इनको कुछ समझता नहीं है, इसलिए जो है तो हमने आज जो अनुराधा चौहान कुलकर्णी साहब को मैडम को निवेदन दिया है कि हमारी मांग ये है। मैडम ने कहा है कि जल्द से जल्द हम जो है तो दिन तक ये आपकी मांग पहुँचाएँगे। भाई अब्दुल खय्यूम, औरंगाबाद युवा शक्ति पत्रकार संघ। आज युवा शक्ति पत्रकार संगठना की ओर से एक मेमोरेंडम दिया गया, अनुराधा कुलकर्णी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको दिया गया, और उनको कहा गया कि पत्रकारों के लिए जो सुविधा जो पहले थी वो अभी बंद कर दिया है सुविधा, और वो कहा गया है कि 20 रुपये जो है चार्जेस कंपलसरी है, और वो कंपलसरी देने के बाद लेकिन उसमें एक ऐसा रूल है कि बाकी के जो टेस्ट होते हैं वो फ्री है, लेकिन वो भी फ्री टेस्ट की सुविधा नहीं दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो 20 रुपये देने के बाद जो फ्री है, इसकी भी लिस्ट नहीं है। तो काफ़ी सारे पत्रकार का डिमांड था कि भाई हम जो पत्रकार जो लोग चौथा स्तंभ है भारत का, उनको सहूलत दी जाए सभी पत्रकारों को। मैं निवेदन करता हूँ मैडम, डीन मैडम से और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कि वो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें। आज युवा शक्ति पत्रकार संघ की ओर से घाटी डीन मैडम कुलकर्णी मैडम को, प्रशासकीय मैडम को एक निवेदन दिया गया कि जो घाटी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की सहूलत के हिसाब से सोनोग्राफी गौर गरीब लोगों के लिए और ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए जो इसका GR निकला हुआ है फ्री में है, लेकिन यहाँ के जो कुछ प्रशासकीय डॉक्टर और अधिकारी है जो अपनी मनमानी का ढोंग रचा रहे हैं, हम उनको ये युवा शक्ति पत्रकार संगठन की तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी अगर से ये मनमानी बंद नहीं होंगी तो हम आने वाले समय में जो औरंगाबाद की जितने भी सामाजिक संगठन है, गब्बर एक्शन कमेटी और जितने भी संगठन है, ऐसे संगठनों को साथ में लेके आरोग्य मंत्री राजेश भैया पत्रकार संगठन तरफे आज निवेदन देण्यात आले आहे। घटित या निवेदनामध्ये असं उल्लेख केलेला आहे की जे पत्रकाराला सवलत भेटायला पाहिजे ते भेटत नाही, आणि जे पत्रकार येत आहे त्यांना अधिकारी दंडराटी करून म्हणतात काही तर काही सुविधा नाही पत्रकाराला, तर हे असं कसं प्रशासन आहे, त्याला गंभीरतेने दखल घ्यायला पाहिजे। आता आम्ही अनुराधा मॅडम कुलकर्णी यांना निवेदन दिले आहे, ते निवेदनावर दखल घेऊन पुढची कारवाई करण्यात यावी, नाहीतर पुढे आम्ही ह्याचा आंदोलन छेडण्यात येईल पत्रकार संघटनातर्फे।